दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लोटस व्हाइट ग्लो स्क्रब से चेहरे को कैसे चमकाया जाए, चेहरे पर कैसे निखार दिया जाए। तो चेहरे पर स्क्रब करने से पहले इस तरीके से आप हेयर बैंड लगा लीजिए ताकि बाल चेहरे पर ना आए, तो आसानी से मसाज करने में आसानी रहता है। और उसके बाद हम चेहरे को धो देते हैं इस तरीके से, पानी मार करके चेहरे पर जो भी धूल गर्दा मिट्टी लगा हो साफ़ हो जाए। पानी मारने के बाद में दोबारा से चेहरे को धोने के बाद में दोबारा से पानी डाल देंगे इनके चेहरे पर, चेहरा पूरा भिगो देंगे। इस तरीके से दोबारा से पानी मार के पूरा चेहरा भिगो देंगे हम। चेहरा भिगोने के बाद में हम उनके चेहरे पर लगाएंगे लोटस व्हाइट ग्लो स्क्रब। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरीके से हाथ पे निकाल करके हम उनके चेहरे पर लगा दे रहे हैं। इस तरीके से हम मसाज करेंगे इनके चेहरे का करीब 5 मिनट तक। इस तरह से पूरे चेहरे पे मसाज करना है, गले पर, गाल पे, मथे पे, सब जगह। ये दोस्तों ऑरेंज जेल स्क्रब आयुर्वेदा कंपनी का है, बहुत अच्छा स्क्रब होता है जी, ऑरेंज जेल स्क्रब है जी। इसी के ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा सा। ये दोस्तों गुलाब जल, इसके ऊपर से गुलाब जल डाल करके मसाज करना है इस तरह से, 5 से 10 मिनट तक के इस तरह मसाज करिए आप। दोनों स्क्रब लगा करके इस तरह से आप कम से कम 10 मिनट तक के मसाज करेंगे। दोस्तों जितने अच्छा आप मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आता है, चेहरा उतने अच्छा ग्लो करेगा। 10 मिनट मसाज करने के बाद हम मशीन चला रहे हैं इनके चेहरे पर। मशीन 3 से 4 मिनट तक का चलाना है, 5 मिनट तक का आप चला सकते हैं। इस क्रम में मसाज में दोस्तों अगर मसाजर चलाया जाए तो चेहरे पर अच्छा निखार आ जाता है, चेहरा ग्लो करता है और चेहरे पर मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही हो जाता है। तो 5 मिनट इस तरीके से आप मशीन चला दीजिए, उसके बाद में गुलाब जल डाल करके आप फिर से मसाज कीजिए चेहरे का। इस तरीके से 5 मिनट तक का और मसाज करना है। जब भी आप चेहरे का स्क्रब मसाज करें तो कम से कम 15 मिनट तक का करिएगा। 15 मिनट हम इनके चेहरे के मसाज करने के बाद में अभी धुलेंगे, धोकर के आपको दिखाते हैं इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार रहा है, चेहरा कैसा ग्लो कर रहा है। इस तरीके से आप मसाज करिए, जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे चेहरा उतने अच्छा खिलेगा, चेहरे पर उतने अच्छा निखार आता है। करीब 15 मिनट हो गया है मसाज करके, अब उनके चेहरे को धुलेंगे। इस तरीके से स्पंज से क्रीम को पोंछ लेंगे, चेहरे पर जो मटेरियल लगा हुआ है साफ़ हो जाएगा। अभी हम इनके चेहरे को धो करके आपको दिखाते हैं कि इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना साफ़ हुआ है। इस तरीके से आप साफ कर लीजिए, पानी मार के धो लीजिए। दोस्तों आप जब भी स्क्रब मसाज करें धूप से ज़रूर बचाइएगा, स्क्रब मसाज करने के बारे में धूप में ना जाएं, धूप से चेहरा झुलस जाता है, स्किन काली पड़ जाती है। बहुत अच्छा इनके चेहरे का मसाज हुआ है, ये देखिए चेहरा बिल्कुल चमक गया है, साफ़ हो गया है। प्लीज़ वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को हमें सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।